ब्लॉक का नाम जी लाल बेल्ट इलाके का नाम मलगुरगेज अच्छा ये किसकी ज़मीन है ये हमारा अपना है अच्छा यहाँ पे आप क्या काश्त करेंगे जाम्बा अच्छा जाम्बा काश्त करेंगे तो इसके कितना आपको जो है ये कितना एकड़ है ज़मीन आपका ये पाँच एकड़ है आपकी अपनी है हाँ और इस पर जो है आप जाम्बा काश्त करेंगे जाम्बा कितना आपको जो है ज़रूरत होगा 50 किलो कितना हाँ 50 किलो और इसमें ट्रैक्टर के घंटे कितना आपको चाहिए होंगे 50 घंटा है अच्छा ठीक है तो इसमें जो है कि हम जो है अब आपको मदद दे रहे हैं ठीक है तो इसमें जो है कौन सा इदारा आपको मदद करा है IDSP है और इसके अलावा जो है और इदारा है वो आपको मदद दे रहा है शुक्रिया उसके बारे में आप क्या कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया पैसे जो हैं वो एक आपको जो मदद करना चाहते हैं उनको हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे दोस्त हैं उसका नाम ज़ेबा है तो उन्होंने ये सब सोचा कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं चले हम उनके जो है इन दादमामंद के तौसत से हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो इस तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं मदद कर रहे हैं हम गरीब लोग हैं जी हाँ और फिर डॉक्टर अदीला भी हैं डॉक्टर अदीला जितने भी जो है दोस्त जो है हमदर्द जो है मदद करें तो उनका जो है बहुत शुक्रिया कि वो इस तरह के ह्यूमन काज के लिए वो सपोर्ट करें तो हम उनके जो है बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और गोराम हैं हमारे IDSP के ग्रेजुएट हैं हिम्मत गोराम ये यहाँ के एक्टिविस्ट हिम्मत गोराम करता है हिम्मत गोराम करता है अब्दुल सत्तार वालिद का हमीर का आपका सिकंदर जी छोटे का नाम हमीर खान नदीम ये आपके बच्चे जी ये दोनों इसके जो है बेटे हैं दो बेटे हैं और इनके ये पोता है माशाल्लाह ये जमीन जो है किसकी है हमारी आपका जमीन है ये इलाका कौन सा है मल गोर के मल गोर यहाँ पे आप क्या काश्त करेंगे ये जानवर करेंगे और इसके लिए जो है आपको जो है कितना जाम्बा चाहिए और कितना जो है घंटे चाहिए इसके साथ काट करते हुए पूरा करेंगे भाई 10 काट करें 50-60 किलो जाम्बा का हो जाए वो हम आपको दे रहे हैं IDSP है और हमारे दूसरे दोस्त हैं वो मिलके हम आपको जो है 50 किलो जो है जाम्बा भी दे रहे हैं हम आपको जो है 7 घंटे ट्रैक करके भी दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेहनत करेंगे करने वाला अल्लाह है बेशक और इसमें थोड़ा सा मजीद मैं ऐड करूँगा कि ये इस तरह की ज़मीनें हैं कि आप ये यहाँ पे जब हल लगाएगा ठीक है हम बीज डाल के हल लगाएगा तो मजीद इसको पानी की जरूरत नहीं 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 एक पानी का ऊपर मजीद पानी की जरूरत नहीं होगी दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई खाद इस्तेमाल ना खाद ना पानी कितना जबरदस्त एक पानी होगा एक पानी बस कुदरती है सब कुदरती सारा प्योर है मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं स्प्रे भी नहीं कुछ भी नहीं शाबाश ये जो है बिल्कुल ऐसे हमेशा से ऐसी करेंगे तो मजीद स्प्रे खाद या पानी की जरूरत होगी
किसका है? हमारा अपना है। आपका अपना है? यहाँ पे आप क्या कास्ट कर रहे हैं? अभी जांबा कास्ट। अच्छा, जांबा कास्ट कर रहे हैं। जिस तरह हमारी जो है आपसे बात हुई है, हम जो है यहाँ पे IDSP और जो है उसके जो है दूसरे मदद करने वाले दोस्त हैं, उनके साथ मिल के हम जो है आपको यहाँ पे बीज के लिए 50 किलो जांबे का बीज दे रहे हैं, और इस ज़मीन पे हल लगाने के लिए हम आपको 7 घंटे ट्रैक्टर के दे रहे हैं। इसके लिए हम आपको मदद दे रहे हैं। और जो है दूसरा जो है, आप थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे जो है हल जब आप लगाएंगे, मजीद इसको पानी खाद या इस तरह की चीज़ों की जरूरत? नहीं, कुछ नहीं। एक दफ़ा उसको पानी देते हैं, उसके बाद जब ये हल के काबिल होता है हमें यहाँ हल चलाते हैं। कोई पानी देने का ज़रूरत नहीं है, कोई स्प्रे का ज़रूरत नहीं है, कोई खाद का ज़रूरत नहीं है। फसल तैयार हो जाता है। अंदाजन इससे आपको जो है कितनी जो है आमदनी होगी, अंदाजन आप थोड़ा सा बता दें कि आप ये 50 किलो बीज यहाँ पे बोएंगे, ठीक है? हाँ। 7 घंटे का आपका ट्रैक्टर के घंटे लगेंगे, तो कब तक ये फसल तैयार होगा, कितना टाइम लगेगा और इस पर कितनी आमदनी होगी आपकी? इसका जो है तो आमदनी होगा 18 से 20 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 18 से 20 क्या है? बोरी, 18 से 20 बोरी तक। अच्छा। और इसका जो है कटाई शुरू होता है मार्च में। अच्छा। अप्रैल में ये बिल्कुल हम सफा करके तैयार करते हैं। उठा लेते हैं। अच्छा, ये 20 बोरी का अगर कीमत में आप बता दें हमें कि इसकी कितनी जो है उस टाइम कीमत पता नहीं क्या होगा, अंदाजन फी बोरी 8,000 होगा। 8 से 10,000 ऐसे होगा। कौन सा इलाका है, किस इलाके में आए हैं? इस इलाके का नाम ये मल गुरगेज इलाका, मतलब गुआरान है जी। ये जो ज़मीन हम काश्त करेंगे जी, इसका ये जो बीज इसमें डालेंगे जी, मतलब 50 kg जांबा जी, उसका 5 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। इसको हल करेंगे तकरीबन 7-8 घंटे का जो जी हल लगाएंगे इसका। सही है, ठीक है। तो इसमें जो है कि फिर बीज बोने के मतलब हल चलाने के बाद मजीद फिर आपको जो है क्या इसमें पानी फिर लगाना होगा, खाद या स्प्रे मजीद कुछ होगा या बस? नहीं, खुशका हवा का खाद वगैरह का जरूरत इसको नहीं। अच्छा, ये बगैर क्या होगा, एक ही बार जो है ये कब तक फसल तैयार होगा, कब तक जो है फसल मुकम्मल होगा? ये तकरीबन जो है न जलसे के मौसम में, क्या कौन सा महीना सरकारी आता है? फरवरी मार्च के। अच्छा, मार्च के दौरान बस ये फसल तैयार हो जाता है। अच्छा। इसका फिर कटाई होता है। अच्छा। उसके बाद बस इसका घा वगैरह। अच्छा, इससे जो है आपको अंदाजन कितना आमदन होगा, मतलब आप जो है यहाँ पे 50 किलो जो है जांबा यहाँ पे काश्त करें तो इससे आपको आमदनी कितनी होगी अंदाजन जब आप फसल उठाएं? आमदनी वैसे अल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनावे तो वो और सी बात है, लेकिन दरमियान हो जाए फिर भी 15 से 20 बोरी तक इसका पैदा हो जाता है जी। सही, ठीक है। और इसमें जो है अगर जो है बोरी कीमत कितने में जाएगी, तक 10,000 तक जा सकती है? मंडी उधर नहीं है, तकरीबन 10-8 हज़ार तक। अभी तो तकरीबन ये महंगा है, नहीं तो 10-8 हज़ार तक इसका इम्कान है, अल्लाह मालिक है इसका जी। ज़मीन भी कहाँ तक है ये आपका? ये आपके सामने ये ऐसे दरख्त आ रहे हैं। अच्छा। इधर से ऊपर जुआरू है ऐसे है।